मैंने उस टाइम पे पढ़ाया है जब मेरे पास व्हाइट बोर्ड हुआ करता था, मैं रात रात भर रिकॉर्डिंग करता था, मेरे पास कोई चेक करने वाला नहीं होता था, और वो रिकॉर्डिंग कभी कभी माइक काम नहीं करता था, मुझे चार चार पाँच पाँच घंटे की रिकॉर्डिंग मेरी वेस्ट हो जाती थी, मैं फिर रिकॉर्ड करता था। जब किसी ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था ना कि हिंदी माध्यम के लिए कोई लेक्चर्स बनाए, तब मैंने हिंदी माध्यम का सिलेबस फिनिश किया था यूट्यूब पर पहली बार, क्योंकि मैं खुद हिंदी माध्यम से रहा हूँ, मुझे मैंने झेला है, जो चीज़ें मैंने झेली है, जब मुझे समय मिला तो मैंने उन चीज़ों में काम करना शुरू किया। फिर और हकीकत बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार सोचा था कि मेरे को अब हिंदी माध्यम के लिए काम करना है, तब मैंने अपनी ऑफलाइन कोचिंग को बंद कर दिया, और तब ना कोई एप्लीकेशन थी, ना कोई कोर्स लॉन्च किया हुआ था, ना वहाँ से कोई पैसा आ रहा था, ना आजीविका चलाने का कोई साधन था, और घर में इस तरह की स्थिति थी बेटा कि मैं 10 से 12 घंटे तो कुछ ऐसी जगह इन्वॉल्व होता था जहाँ मैं इमोशनल लेवल पर रोज कूद रहा था। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं मेरे साथ में वो समझते हैं कि मैं किस चीज़ से उस समय जूझ रहा था 2018-19 में। 2018-19 का जो समय गया है ना, वो मेरी लाइफ का सबसे 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 बुरा समय था। मैं जब आपके लिए 1 घंटे लेक्चर रिकॉर्ड किया करता था ना, उस 1 घंटे से पहले भी मैं रो रहा होता था, और उस 1 घंटे के लेक्चर के बाद भी शायद मैं रो ही रहा होता था। 3 अक्टूबर 2019 के बाद में मैंने कैसे अपने आप को संभाल करके 10 से 12 दिन के बाद में क्लास स्टार्ट की है, वो आज भी मैं जानता हूँ, या मेरे साथ में जो बहुत नियर वन है वो जानते हैं कि मैं किन हालातों से गुजरा हूँ। तो बेटा, आशीष सिंह लेक्चर्स उस समय से है जिस समय हिंदी माध्यम के जो बच्चे थे उनके लिए पूरे यूट्यूब पे कोई भी कंटेंट नहीं। नोट्स क्या होते हैं, नोट्स कैसे देने चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब मैंने खुद किया था। पहला पहला जो आईपैड मैंने लिया था ना, वो किसी के पैसों से उधार लिया था। पहला आईपैड, पहली एप्पल पेंसिल, इसके ऊपर आपके नोट्स बने हैं, जो नोट्स आप आज इंजॉय करते हो। ऐसा तो कुछ दुनिया में, पूरी दुनिया में हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए कोई हैंडरिटन नोट्स की सुविधा नहीं थी। 2018 में सबसे पहले मैंने पैसों को उधार लेकर के, किसी से उधार लेकर के आईपैड और एप्पल पेंसिल खरीद के नोट्स बनाए थे। तो मुझे आज भी याद है, मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठ के नोट्स बनाया करता था, रात को हॉस्पिटल के अंदर बैठ के नोट बनाया करता था जब मेरी मदर एडमिट थी। तो आप जिस चैनल से पढ़ रहे हो, उस चैनल पे जो पढ़ा रहा है उसका भाव जो है ना, वो आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है।